This is 60,000 rupees camera Sony ZV-E10. I took this camera for a test so you don't have to. I checked the build quality, slow motion, autofocus, audio quality and so many other things. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 90% चांस है कि आप अपने लिए नया कैमरा खरीदने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए या फिर फिल्म मेकिंग सीखने के लिए या फिर फोटोज खींचने के लिए। एंड आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत ऑप्शंस है। तो क्या आपको इस कैमरे को खरीदना चाहिए? आई डोंट नो, बट इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये कैमरा आपके लिए बेस्ट है भी या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तो बॉडीज की सॉलिड है बॉस, मतलब आपको व्लॉगिंग करनी है, ये लो आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन। इसमें माइक का जैक मिल जाता है अगर आपको व्लॉगिंग के लिए एक्सटर्नल माइक यूज करना है तो। हेडफोन जैक मिल जाता है जो कि मेरे A6400 में नहीं है, और इसमें आपको मिनी HDMI और सी टाइप पोर्ट मिल जाता है। बेस्ट बात मुझे जो इस कैमरे की लगी है ना, वो है इसकी बटन प्लेसमेंट। अगर आप बिगिनर हो और आप फर्स्ट टाइम अपना कैमरा परचेज करो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना ईजिली हो जाएगा समझना कि कैसे आपको यूज़ करना है। ऑन एंड ऑफ का स्विच जो है वो आपको ऊपर ही दे रखा है। रिकॉर्ड बटन बहुत ही जगह सही प्लेस कर रखा है इन्होंने। SNQ फोटो वीडियो पे इजीली स्विच कर सकते हो जस्ट बाय प्रेसिंग दिस बटन। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ना इंटरचेंजेबल लेंस है, तो मतलब इसमें आपको फीचर मिल जाता है, ये E-mount ग्लासेस में आप इजीली लगा सकते हो। बट मैं आपको एक बात यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि इसमें व्यू फाइंडर नहीं है, तो जो लोग फोटोज़ क्लिक करते हैं ना तो शायद से उनका दिल टूट जाए कि भाई यार एक व्यू फाइंडर अगर ये दे देते थे ना, तो जैसे कि आप बाहर शूट करने जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सनलाइट है, तो वहाँ पे जो है ना व्यू फाइंडर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इससे आपकी फोटो जो है आप उसे में देख के जो है ना ईजिली क्लिक कर सकते हो, बट वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इस स्क्रीन में देख के ही शूट करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन की। तो इसमें जो आपको 24 megapixel का वो मिलता है, सेंसर मिलता है, APS-C सेंसर है, विच मीन्स क्रॉप सेंसर है। ठीक है, क्रॉप सेंसर से ये मतलब नहीं है कि कैमरा आपका बेकार है, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने खुद 3 सालों से जो है A64 पे जो है APS-C पे शूट करा है, वो भी बहुत अच्छा सेंसर होता है। ठीक है, उससे आप बहुत ही अच्छी वीडियोस बना सकते हो, 4K में शूट कर सकते हो, 24 और 30p में जो है Full HD में शूट कर सकते हो, स्लो मोशन ईजिली अच्छा से शूट कर सकते हो उस कैमरे में आप। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। ऑफकोर्स भाई जिस प्राइस पॉइंट पे आ जाता है उस हिसाब से ये जो क्वालिटी और रेजोल्यूशन दे रहा है ना आपको, वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है टू बी ऑनेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं फोकस के बारे में। भाई मैं सोनी के कैमरा ना 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और फोकस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब ये आपको हर सिचुएशन में जो है आपका फेस ट्रैक कर लेता है, कभी फोकस जो है आउट ऑफ फोकस नहीं होता है। क्या मैंने सही बोला है? अब हम लोग बात करते हैं स्टेबलाइजेशन के बारे में। भाई स्टेबलाइजेशन के क्या ही कहने, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस छोटे से कैमरा में जो है इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन होगा। स्टेबलाइजेशन के 2 मोड है, एक है स्टैंडर्ड है और एक है एक्टिव, तो आप इन दोनों के आउटपुट चेक कर सकते हैं। मुझे जो है एक्टिव बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं, इस छोटे से कैमरे में इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन और वो भी इतनी अच्छी, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था सोनी से। ठीक है, तो एक्टिव स्टेबलाइजेशन इसके एकदम गिम्बल वाली फुटेज जो है इसमें जो है आपको मिल जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके इनबिल्ट माइक की। ठीक है, जो कि मेरा एक प्रो भी है। ठीक है, इसका इनबिल्ट माइक की आप क्वालिटी एक बार खुद चेक करके देखिए और बताएं कि कैसी है। आप चेक कर सकते हैं माइक की क्वालिटी, मुझे इसकी अंदर की माइक की क्वालिटी ऑफकोर्स बाद में पता लगेगी, तो अभी इनबिल्ट माइक है तो आप देख लीजिए कि कैसी क्वालिटी इनबिल्ट माइक की। फुल HD पे हम लोग शूट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पे स्टेबलाइजेशन सेट है, मतलब भाई इन्होंने वैसे तो आपको माइक जैक दे रखा है, बट मुझे इसके इनबिल्ट जो माइक की जो क्वालिटी है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी लगी है। तो भाई देखो, सबके अपने ओपिनियन होते हैं, जो मेरे प्रोज एंड कॉन्स है इस कैमरा को लेके ना, वो कुछ ऐसे है कि आपको प्रो जो है इसमें सबसे पहला मिल जाता है इसके बॉडी का। बॉडी में आपको सारे फीचर्स दिए गए हैं जो कि एक प्रोफेशनल कैमरा में होते हैं, जो कि मेरे A74 में है, जो कि एक 2 लाख रुपए का कैमरा है। ठीक है, उसमें आपको सारे फीचर्स जैसे माइक का जैक मिल जाता है, आपको इसमें हेडफोन जैक मिल जाता है, मिनी HDMI सी टाइप पोर्ट, और बेस्ट बात जो इसकी प्लेसमेंट है ना बटन की, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। और जो सेकंड प्रो मैं इसका बोलूँगा, ऑटो फोकस, मतलब ऑटो फोकस जो है मैं प्रो में इसलिए रखता हूँ सोनी वालों को, क्योंकि इनका फोकस बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। कुछ ब्रांड्स और भी है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा ऑफकोर्स, वो बोलते तो है कि इनका फोकस बहुत अच्छा है, जब मैंने प्रैक्टिकली यूज़ करा ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट इसका ऑटो फोकस बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। आप कभी भी आपकी फुटेज में जो है आप आउट ऑफ फोकस नहीं होने वाले हो।
तीसरा प्रो जो मुझे इस कैमरे का लगा है वो है एक्टिव स्टेबलाइजेशन। मतलब अगर आप कैमरे के पीछे से शूट कर रहे हो और फुटेज ले रहे हो ना, तो आपको फुटेज गिम्बल वाली मिल जाती है, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। तो भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्स के, क्योंकि वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जो इसमें आपको एक्टिव स्टेबलाइजेशन मिल जाती है ना, जो कि प्रोज में भी है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब आप उसे व्लॉगिंग मोड पे यूज़ करते हो। इट मींस कि जब आप फ्रंट से कैमरा यूज़ करते हो और जब आप एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन कर लेते हो, तो आपको क्रॉप मिल जाता है, जिसके कारण जो है ना व्लॉग जो है ना आपका अच्छे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रॉप होता है उसमें आपका। अगर आप बॉडी को एक्सटेंड भी करोगे ना, मतलब अपने हैंड को एक्सटेंड करके व्लॉग करोगे, तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। सेकेंड कॉन जो मुझे इस कैमरे का लगा कि जब आप 120 FPS में शूट कर रहे हो, तब आपको एक्टिव स्टेबलाइजेशन का फीचर का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है, वो ऑन ही नहीं होगा। तो वो मुझे समझ में नहीं आया, मतलब ये क्या बकवास है सोनी, मतलब इतना अच्छा कैमरा बनाया, मतलब एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर दे तो शायद से क्या हो जाता, ठीक है। और तीसरा कौन, तो आपको पता ही है कि व्यू फाइंडर, अगर इसमें व्यू फाइंडर दे देते ना, तो ये माशाल्लाह मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैमरा हो जाता इस बजट रेंज में, ठीक है। तो आप वो मेल कर देना सोनी वालों को, जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, कि भाई मतलब इतनी एक छोटी सी चीज़ डाल के जो है ना, मतलब 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते सोनी वाले, बट व्यू फाइंडर अगर दे देते ना, तो इस ये कैमरा जो है अपनी भी इस पूरी बजट कैटेगरी में जो है ना सबसे बेस्ट होता मेरे हिसाब से। सो यस, दैट्स ऑल माय लाइक फुल रिव्यू ऑफ दिस कैमरा सोनी ZV-A10, ठीक है। आप मुझे कॉमेंट में बताइए कि भाई आपको ये कैमरा कैसा लगा, अगर आप खुद ही एक यूज़र है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या प्रोज लगे आपको, क्या कॉन्स लगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई भी फीडबैक है अबाउट माय यूट्यूब वीडियोस, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। पीस आउट।